हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:30। सो मैं जस्ट अभी उठ के बाहर आई रही हूँ कि मैंने देखा मैं उठते ही यहाँ पे भैया आ चुके हैं यहाँ पे हल जोतने के लिए। कितनी सुबह आ गए होंगे पता नहीं। एक खेत इन्होंने पूरा कंप्लीट करके दूसरा खेत भी कंप्लीट कर दिया है। सोचिए कि कितनी जल्दी आ गए होंगे। ये होती है पहाड़ी लाइफ। तो ये होते हैं पहाड़ की लाइफ। और अभी इसमें भैया ने हल जोत दिया है, तो उसके बाद गेहूं के बीज इसमें बोएंगे, तो फिर उसके बाद फिर गेहूं होंगे इसमें। और सनराइज भी हो चुका है, अब धुंध है काफ़ी, तो वो क्लियर दिखेगा है। चलिए गई सपना, अभी थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर जाके बाद में बनाऊँगी ब्लॉग। और आज मैंने वहाँ पे चिड़ियों को दाना नहीं दिया ना, तो बेचारी घूम रही है इधर उधर, तो उनको पहले मैं दाना डाल देती हूँ, उसके बाद अपना काम करूँगी। और ये है चावल के बीज, और इनको हम डालेंगे चिड़ियाओं को, उनको भी भूख लगती है। अब डेली देने की आदत पड़ गई ना, तो वो डेली आ जाती है, और जब तक ना दो तो घूमती रहती है। अभी आना स्टार्ट करेंगे, उन्होंने देखा नहीं मुझे कुछ। तो ये जो मैं दाना डालती हूँ, और ऊपर जो आप देख रहे हैं बर्ड हाउस, वहाँ तो एक चिड़िया है, उसने अपना अड्डा बना लिया है, वहीं रहती है। और इस वाले में तो मैंने देखा नहीं, लेकिन इस वाले में भी दिख रही है मुझे, एक अंदर घोंसला दिख रहा है उसका। तो अब मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद मिलती हूँ आपको। दादा, वो अभी मम्मी उसमें बीज डाल रही है खेतों में, गेहूं भट वगैरह अभी डालते हैं, तो वो तब जाके बाद में हो जाएंगे अच्छे से। तो मैंने भी नाश्ता बना दिया है, और अभी ये ऊपर वाले खेत पे आ गए हैं। मम्मी से बोल रही थी मैं भी जोतती हूँ, तो मम्मी ने मना कर दिया, बोल रही लड़कियाँ नहीं जोतती हैं। मैंने मुझे डांट दिया, बोल रही कि पागल, लड़कियाँ नहीं जोतती है हल, आदमी लोग कहते हैं। मैंने कहा क्या हुआ, उसमें क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मम्मी ने मना कर दिया, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसा कहता तो किसी कारण के किसी कारण वसी कहते होंगे ऐसा। मैंने कहा कोई नहीं, रहने देती हूँ। ओफो, अब मैं आ गई हूँ घर को, और करते हैं तैयारी फिर जाने की। और गर्मी स्टार्ट होने लग गई है, अब यहाँ इतनी हो रही है, तो बाहर दिल्ली वगैरह में तो कितना ही हुआ होगा ना। तो चलिए कोई नहीं, लेकिन पहाड़ में ऐसा कि हवा भी चलती रहती है, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। थोड़ा बाहर से तो गर्मी महसूस हो रही है, बट अंदर तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हमारे, और हेलो, नमस्ते दीदी, रियल कुमारी, रियल, अच्छा आप ही का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। अब कितने साल के हो गए आप? 10 साल के। ओके। दिन के ऊपर से इतनी धूप, और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी आज सुबह सुबह जब मैं आ रही थी घर से, तो यहाँ पे एक हिसालू के पेड़ हो गए, और इनमें बहुत सारे हिसालू पक गए हैं। तो आपको भी दिखाती हूँ और मैं भी खाती हूँ, लेकिन मैं जाऊँगी कैसे। ये देखिए, ये है हिसालू का पेड़, तो ये होता
है, एक जंगली फ्रूट होता है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इतने वाव, इतने मीठे हो रहे हैं ना। ये पूरा पेड़ इससे भरा हुआ है, काफ़ी तो बहुत सारे पक चुके हैं और अभी बचा हुआ, अभी बहुत हरे भी हो रखे हैं। ये देखिए, ये पक्के ऐसे हो जाते हैं और ये जितने हरे आप देख रहे हैं ये अभी पके नहीं है, सो वो इतने सारे तो पक चुके हैं और इतने मीठे हो रहे ना ये, वाव यार। इसमें हो तो बहुत रखे हैं लेकिन ये ऐसी जगह पर हो रखा ना जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, मुझे पता था होते तो अच्छे लेकिन इतने टेस्टी होंगे ये पता नहीं था। और मुझे ना यहाँ से आवाज़ भी आ रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा कि इसके अंदर कोई है जानवर वगैरह। सो गाइस, ये है हमारी लाइका, लाइकू देखो, हेलो बोल दो आप, हेलो बोल दो ना। सो गाइस, जो इनको पहली बार देख रहा होगा वो तो लाइका को ही देखेंगे अब, और जो हमारे टफी को भी जानते थे सो उनको मैं बताना चाहूँगी कि अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब 15-20 दिन हो गए हैं उसको, वो दिन में यहाँ से गया 2-2:30 बजे और लाइका भी गई थी लेकिन लाइका तो वापस आ चुकी थी, तो हमने सोचा कहीं किसी के साथ भी चला जाता ना तो हमने सोचा कहीं चले गया होगा, आ जाएगा, और वो आया नहीं। और उसके बाद हमने दूसरे दिन से उसको 2-3 दिन लगातार ढूंढा और वो मिला नहीं। सो एक दिन ऐसे ही शाम को घूमते घूमते लाइक उधर को हम जा रहे थे, स्टाफ जा रहा था तो ये लाइका भी आई उनके साथ, और इसको तो पता था कि वो वहाँ पे उसको बाघ ने मतलब मार दिया है तो भी बोल तो सकती नहीं है, लेकिन ये हमको वहाँ पे ले गई रोड से, इसने ऊपर को ऐसे आगे पीछे कर रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उनको लगा कि यहाँ पे क्या है, ये ऐसा क्यों कर रही है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे टफी, उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और उसका पूरा जो गले से पूरा खा चुका था वो बाघ उसको, बस उसकी इतनी सी पतली सी लेयर बची थी, तो बहुत बुरा हुआ, मतलब हम पता नहीं था, ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसी उसकी जान जाएगी, बुरा तो लगता ही है। बट अब 15-20 दिन हो चुके हैं, पता है उसके बाद लाइका ने भी खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, इतनी साइलेंट हो चुकी थी ना, ये कहीं जाना नहीं, एक ही जगह पे बैठे रहना, तो अभी तो फिर भी थोड़ा खाना खाने लग गई है, थोड़ा आदत पड़ जाती है ना धीरे धीरे, तो बहुत ही मतलब साइलेंट हो चुकी है, भौंकना भी बंद कर दिया इसने, तो हम सोचे थे कि एक नया छोटा सा इसके लिए साथ में ले आएँ, देखते हैं अभी चलिए क्या होता है। तो ऐसी है, अब वो अपने को ही देख के देख रही थी कौन है, उसी के वही हमारा पेडिग्री भी खाता था, और अब वो पेडिग्री हम उसी दिन नया भी लाए थे और उसी से वैसी है, ये खाती भी नहीं है ज़्यादा, वही खाता था। क्या ही कर सकते ना। सो इसके बाद फिर ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं किया था, मैंने सोचा था कि आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ, बट वो मैंने बनाया नहीं, मूड भी नहीं था। सो आज ब्लॉग बनाया तो लाइक आप भी देखिए, मैंने बता दिया, उसकी क्लिप मैं आपको बीच में दिखा दूँगी इसमें कि कहाँ पे मिला था, कैसे उसको बाघ ने खाया था, थोड़ी सी वीडियो हमने बनाई थी उसकी। तो फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे और उसको फिर ज़मीन में दफना दिया था, आ गए थे उसको मेरे लिए, मैंने बचाया अपने लिए वो, अभी मत खाओ, वहाँ से आवाज़ भी आ रही है जानवर की, शाम के टाइम पे आएंगे, मीठे हो रहे ना, आ गया था किसने देखा है, आवाज़ भी आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी हो सकता है। गाइस, ये है टफी की क्लिप्स जो हमने बनाई थी उस टाइम पे, टफी इतने ऊपर जंगल, इतने घने जंगल में मिला ना हमें, जहाँ अगर लाइका नहीं होती तो वो हमें कभी मिल भी नहीं पाता कि टफी यहाँ पे है, तो लाइका ने उसको उस टाइम पे लाइव देखा होगा ना, उसके सामने ले गया होगा, तो लाइका को वो रास्ता याद था, उसके ऊपर नीचे करके ले आई। टफी की बहुत बुरी हालत हुई है, उसकी गर्दन के ना गले की लेयर बिल्कुल
जिसमें दिख भी नहीं रही, पूरी मुड़ गई थी। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। लास्ट में उसको दफना दिया था और फिर अब कोई ऑप्शन तो बचा नहीं था, वापस तो आता नहीं। और उसकी ना हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, उसकी गले की लेयर ना इतनी ब्लैक हो गई थी ना कि वो देखने लायक नहीं हो रहा था। गला तो उसका पूरा फेस दिख ही नहीं पा रहा था। उसको दफना दिया था। बच्चे की तरह पाला था। जा साले जा। कहना नहीं मानता। डिलीट हो गया था डिलीट। चल बेटा कर दे। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और पता नहीं नीचे से किसी ने आग लगा दी जंगलों में आजकल, और यहाँ पे इतनी भयंकर आग लग गई है। ऊपर हमारा घर है वहाँ पे, और यहाँ पे इतनी ख़तरनाक आग लगा दी ना, सारे लोग बुझाने आ गए हैं। यार ये नीचे से पूरी नीचे से आग लगी थी, हम बुझाते बुझाते आए और अभी इतनी आग लग गई है और बस कम बुझा रहे हैं अभी। ताई इतना खतरनाक धुआं निकल रहा है ना, वो भी सांस भी नहीं ली जा रही है। मैं तो खाना बना रही थी और वहाँ पर इतनी खतरनाक आग फैल गई है, तो इसलिए जल्दी से बुझाने गई और मैं वापस घर आ गई, क्योंकि मम्मी लोग बोल रहे थे कि तुम टाइम से खाना बना ले, उसके बाद हम लोग बुझाते हैं। घर में भी कोई नहीं है अभी, तो मैं आ चुकी हूँ घर पे और यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है चूल्हे में, तो वो फटाफट रोटी बनाते हैं और फिर देखते हैं आग बुझ जाएगी तो ठीक है। हमारी आदिया डर रही है आग से और वो बोल रही है वो हम मच जाओ, तो आपको डर लगती है? हाँ। मिलो बच्चों, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, हम बनाएंगे रोटी और घर के बाकी सारे लोग गए हैं आग बुझाने के लिए। आपको डर लग रही है ना? किसने लगाई आग? पता नहीं किसने लगा दी। नहीं जा रहे हैं। हम बनाएंगे रोटू। हाँ। रोटू गोल में डोल रोटू, ठीक है। हाँ।